और भाई लोग, क्या हाल है गाइज। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का इंपॉर्टेंस शायद आपको पता ही है। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि रवि भाई इसके बारे में बताओ, कैसे सस्ते तरीके से कम बजट में इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें। सो गाइज, आज की वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाओगे खुद को, क्योंकि जो पूरे महीने का कॉस्ट आने वाला है ना, 105 रुपये। कोई सा भी आप सप्लीमेंट लेने जाओगे ना, चाहे वो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 हो, 300 से 400 रुपए मिनिमम आपको इतना लगेगा। और अगर ब्रांड अच्छा है, लेबलिंग अच्छी है, तो हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए, 700-800 रुपये। आज मैं आपको एक ऐसे सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि प्योर वेज है, और उसमें एक ही इंग्रेडिएंट से, एक ही सोर्स से आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी उस क्वांटिटी में जितनी आपको ज़रूरत है। और कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि एक महीने का जो कॉस्ट आएगा 105 रुपये सिर्फ। हमें क्या करना है, देखो मैं पहले आपको यही बता देता हूँ, ये पैकेट आता है, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैक्स सीड्स के बारे में। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे मसल रिकवरी में, मसल ग्रोथ में, साइज में, हर चीज़ में ये हेल्प करता है। उससे पहले मैं कॉस्ट बता दूँ ताकि आप वीडियो पर एंड तक बने रहो। यह 100 ग्राम का पैक है, इसका कॉस्ट है 35 रुपीज़। अब 10 ग्राम में मिलता है 2350 mg, 2350 mg, जो कि मोर देन एनफ है, सफिशियंट है एक बॉडी बिल्डर के लिए। क्या मिलता है आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो फ्लैक्सीड होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो एक्टिव फॉर्म है, फैटी एसिड ALA, वो कंटेन करता है। अब वो क्या करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलो बात करते हैं फ्लैक्सीड के बारे में। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, पर इसका जो मेन कंटेंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये तीनों एसिड्स जो हैं ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, दैट मीन्स कि बॉडी इसको खुद से जनरेट नहीं कर पाती। और इसका इंपॉर्टेंस इतना है, ना सिर्फ एक फिटनेस फ्रीक के लिए बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हो तो इसको आपको इंक्लूड करना चाहिए डाइट में, क्योंकि ये आपके हार्ट हेल्थ को, ब्रेन फंक्शनैलिटी को, और मसल सोरनेस जो होता है ना, स्टिफनेस आ जाता है कई बार, आप देखोगे मुरझाए मुरझाए सा मसल्स दिखता है, वर्कआउट के बाद स्टिफनेस रहता है, एक ग्लो नहीं रहता मसल में, तो उसको ये बहुत अच्छे तरीके से हील करता है गाइस। ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है फैटी एसिड को, जो फैट्स है उसको स्टिमुलेट करके अंदर सेल्स तक पहुंचाता है, ताकि एक तो फैट का मेटाबॉलिज्म चलता रहे बॉडी में, दूसरी बात जो न्यूट्रिशंस चाहिए आपके मसल सेल्स को, ब्लड सेल्स को, वहां तक इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि जब आप वर्कआउट करते हो उसके बाद भी आप इसको अगर कंज्यूम करोगे तो आपका जो मसल है वो स्टिफ नहीं रहेगा, आप लेथार्जिक फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा शायद, बॉडी बिल्डर्स इसको, चाहे वो किसी भी फेज में हो, कटिंग फेज में हो, बल्किंग में हो, श्रेडिंग में हो, आपने देखा होगा उनके सप्लीमेंट स्टैक में ये हमेशा रहता है, वो कैप्सूल्स यूज करते हैं, पर चूंकि ये मेरी वीडियो है तो मैं इसमें आपको बिल्कुल सस्ता सुविस्ता रिप्लेसमेंट बताने वाला हूँ। तो गाइज बेसिकली ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एल्फा लेनोलेनिक एसिड ALA कंटेन करता है ये फ्लैक्सीड, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है लिवर में सिंथेसाइज होकर DHA में और EPA में। आपको फिश ऑयल में यही मिलता है EPA और DHA, पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। आप उसके कैप्सूल्स खरीदने जाओगे ना तो जैसा मैंने आपको बताया 600, 700, 400 ऐसा लगेगा। यहाँ आपको सिर्फ 3 पैकेट लेने हैं 100 ग्राम्स के। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम आपको दिन में कंज्यूम करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप रोस्टेड मत लेना, रोस्टेड का कॉस्ट सीधा डबल आएगा। घर पर रोस्ट कर लेना, तवे पर रोस्ट ही तो करना है, इसको करना क्या है। आप अगर अलसी के बीज कहते हैं इसको, फ्लैक्सीड को, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो 100 ग्राम का आपको ऑर्गेनिक वाला लेना, ऑर्गेनिक फ्लैक्सीड। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक में न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा होता है, आपको मिल जाएगा ये 35 रुपीज़ का। पर आप रोस्टेड देखोगे तो रोस्टेड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। अब 35 रुपीज़ का 100 ग्राम है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आपको लेना है 3 पैकेट 300 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि आपको दिन के लेने हैं 10 ग्राम, 1 टेबल स्पून, 10 ग्राम के हिसाब से 10 दिन चलेगा एक पैकेट, 3 पैकेट चल जाएगा 30 दिन, महीने भर का स्टैक हो गया आपका। कितना कॉस्ट आया, 35 × 3, 105 रुपीज़। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, हमने बात तो कर लिया ओमेगा 3, ओमेगा 9 और ओमेगा 6, ये तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जब आप इसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखोगे, रेशियो देखोगे, इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों मिलेगा आपको, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और हम नॉर्मल जो हम फूड इंटेक करते हैं डेली रूटीन में, उससे कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की जो फुलफिलमेंट है वो बॉडी नहीं कर पाती।
वो भी इसमें आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि क्यों ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपको अपने डाइट में रखना चाहिए। सो गाइज, कई बार क्या होता है कि हमारा फोकस होता है प्रोटीन इनटेक पे। प्रोटीन हमने ले लिया, हमने फैट्स खा लिए, हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिए, पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये इंटरनल प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, ये ध्यान से सुनो। हमने प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया, पर मसल उस प्रोटीन को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, और आपने प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लिया, आपने डाइट से प्रोटीन लिया, तब भी वो मसल सेल्स जिसको आपने टेयर अप किया है वर्कआउट करके, वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये उस चीज़ को भी प्रोमोट करता है। अब इसके इतने बेनिफिट्स हैं, और एक चीज़, स्किन हेल्थ, आपके बालों के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, स्किन ग्लो के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब चीज़ों में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे कि इसको करना कि आपको कैसे लेना ये मैं बता देता हूँ, आपको लेना है इसको अपने ब्रेकफास्ट के बाद, अपने मील के बाद, आपको 1 टेबलस्पून 10 ग्राम के आसपास, ये क्योंकि रोस्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप एक ही बार में ना इस पैकेट को पूरा, जब ये आए तो तीनों को एक साथ रोस्ट कर लेना, और एक डब्बे में टाइट पैक कर लेना, ख़राब नहीं होता, चल जाता है अच्छे टाइम तक, क्योंकि मैं खुद इसको कंज्यूम करता हूँ। मैंने दिखाया नहीं दिखाया आपको, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ दिखता कैसा, अलसी के बीज कहते हैं इसको, ये इस तरीके से इसके ये डार्क ब्राउन टाइप के इसके दाने होते हैं, तो इसको आपको ना रोस्ट करके रख लेना है एक ही साथ 3 पैकेट, और उसके बाद जब आपने नाश्ता कर लिया, तो नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आपको 1 स्पून ऐसे मुंह में रख के, और पानी मतलब उसको च्यू करने के बाद आप पानी पी सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना लो, और फिर आप पाउडर बेस पे कंज्यूम कर लो, जैसा भी आपको सही लगे, जिस तरीके से आप इसको ले पाओ। और एक बात, आप इसको अपने नॉर्मल फूड आइटम्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप अगर पनीर भुर्जी वगैरह बना रहे हैं या कोई भी ऐसा आइटम, तो उसमें आप ऊपर से स्प्रिंकल भी कर सकते हो इसको। ये थोड़ा टेस्टलेस होता है, तो इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर रोस्टेड होने के बाद आपको ठीक ठाक सा लगेगा, ये खाने में अच्छा लगेगा। सो गाइज, अगर आप अपने 105 रुपये सही जगह लगाओगे, 1 महीने का पूरा स्टैक रेडी हो जाएगा आपका, और बॉडी में जो आप डाल रहे हो ना, जितनी चीज़ें, चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट्स डाल रहे हो कुछ, और जो भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स डाल रहे हो, ये उसके एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देगा। तो अब एक कैलकुलेशन समझना बहुत ध्यान से, आप सप्लीमेंट में लगा रहे हो 4500 से 5000 रुपये महीने का, 105 रुपये और लगा के आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। और यही चीज़ अगर आप जो लेने जाओगे, ऑनलाइन सर्च करोगे या कहीं से आप कंज्यूम करने मार्केट से लेने जाओगे, तो आप कॉस्ट देखोगे कि यार 400-500 रुपये आ रहा है। उसके बाद दूसरी बात कि ऑब्वियसली उसको एक प्रोसेस के थ्रू तैयार किया गया है, तो पता नहीं उसका नेचुरल इंग्रेडिएंट कितना उसमें रहा नहीं रहा, जो भी है, वैसे तो रहता ही है, बट फिर भी मैं एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब अपने को सीधा डायरेक्ट वो चीज़ें मिल रही है एक सही सोर्स से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। सो गाइज, मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, फ्लैक्सीड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। मसल सोरनेस, मसल स्टिफनेस, इन चीज़ों में आपको रिलैक्स देगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, स्किन हेल्थ, बालों का हेल्थ, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया, अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। Take care, stay safe, bye-bye.